महानगर वासियों ने रविवार को 14 फरवरी प्रेम के पर्व वैलेंटाइन डे को हर्षोल्लास और प्रेम सौहार्द के साथ मनाया। इस दौरान दंपति जोड़ों ने एक दूसरे को बुके देकर अपने प्यार का इजहार करते हुए एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। वहीं बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और वरिष्ठ जनों ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ महानगर के प्रमुख स्थान नौकायान, इंदिरा बाल विहार पार्क सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर एक दूसरे को वैलेंटाइन डे की बधाई देते हुए सेलिब्रेट किया। इस दौरान मंचलों पर पुलिस की पैनी नजर बनी रही। शहर के प्रमुख बाजार, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। सादा वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किए गए थे, साथ ही शेरनी दस्ता भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भ्रमणशील रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दंपति जोड़ो और फूल विक्रेता समीर कुमार ने कहा,
अंबुजा तिवारी सर, सबसे पहले तो हमें ये सरप्राइज गिफ्ट मिला जो कि उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हमें, और हम बस यही कहेंगे कि हर साल वैलेंटाइन इससे और बेहतर हो, और जो भी जिससे भी प्यार मोहब्बत जो भी करता हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो हमारी दादी बाबा हो, वो अपने इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, और एटलीस्ट जो हमेशा घर में रहते हैं वो आज के दिन तो बाहर खाने ज़रूर जाएं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि वो वैलेंटाइन डे का गलत मतलब ना निकालें, और जो हमारे अंदर प्रेम भाव है उसे हम व्यक्त करें, ना कि और चीज़ों में हम अपना दिमाग बटाएं। आज आपने सेलिब्रेट किया? आज सुबह से मेकअप किया बस। पुलवामा हमले में भी जितने लोग हमारे शहीद हुए थे, हम उनको भी नमन करते हैं, और वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। चाहे आज वैलेंटाइन डे है, बट इसके साथ साथ ब्लैक डे भी है, तो हम दोनों को एक साथ याद ज़रूर करते हैं। थैंक यू सो मच। अंशिका श्रीवास्तव, देखिए वैलेंटाइन डे को हम अपने स्पेशल्स के साथ ही मनाते हैं, वो कोई भी हो सकता है। मॉम डैड, ये हमने अपने पेरेंट्स के लिए लिया है बुके, और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके साथ सेलिब्रेट करना है, और बस अपनी खुशियों का इजहार करना है, एक तरीका है वैलेंटाइन मनाने का। थैंक यू। क्या कुछ नया किया आपने वैलेंटाइन डे? ये मेरा फर्स्ट वैलेंटाइन है मेरे हस्बैंड के साथ, तो आज सब कुछ नया ही है मेरे लिए, तो अभी तो हम सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे। आयुष निधि श्रीवास्तव, अच्छा मतलब सेलिब्रेशन के लिए एक अच्छा एक टाइमिंग है, आप अपने पेरेंट्स, फैमिली, अपने लव मैन के साथ मना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मना सकते हैं, और इसको एक अच्छे डे की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, हर तरफ हैप्पीनेस फैलानी चाहिए, बस यही कहना चाहूँगा। डॉक्टर अंबिका तिवारी, देखिए वैसे तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में दिनों का बहुत महत्व है, हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भी तमाम दिवस मनाए जाते हैं, मातृ दिवस, पितृ दिवस, वैलेंटाइन डे को भी हम अपने प्रियजन के लिए कोई भी उपहार भेंट करना हो, फूल भेंट करना हो, ये एक सम्मान सूचक दिवस के रूप में मनाते हैं। और युवाओं के लिए प्रेम दिवस का मतलब दूसरा होता है, लेकिन मैं ये युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि प्रेम दिवस किसी के प्रति भी प्रेम और श्रद्धा प्रदर्शित करके मनाया जा सकता है। इसी के साथ ही युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और बुज़ुर्गों और हम उम्र लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, सभी को हमने जितने भी हमारे बड़े हैं घर में, सबको, जितने छोटे हैं और जितने हम उम्र हैं, सबको मैंने वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की। ये ज़रूरी नहीं कि खाली नवयुवकों के लिए है ये त्यौहार, ये सभी के लिए, क्योंकि वैलेंटाइन जो थे वो एक सेंट थे और उनके याद में ये मनाया जाता है, इसलिए ये इसका कंसेप्ट अभी जो यहाँ पे है कि खाली नवयुवकों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी के लिए ये दिन बड़ा ही प्रेम भरा है, सभी को आपस में प्रेम से सौहार्द से रहना चाहिए, और इसी तरह मैंने ये पूरा दिन आज बिताया। मम्मी करने आए हैं, किसके साथ आए हैं? पापा जान। पापा जान। और किसके साथ? मम्मा जान। मम्मा जान। क्या क्या देखा आपने यहाँ? हाथी देखा। हाथी। बंदर, शेर देखे थे, बताइए थोड़ी उसको। सॉन्ग देखा था? गाना सॉन्ग देखा था। गाना। क्या क्या देखा? बता दीजिए बेटा। शेर देखे थे? हाँ। यथार्थ शंकर पांडे। कहाँ हैं? अरे इंदिरा बाल बिहार पार्क में। किसके साथ हैं? मम्मी पापा के साथ और एक बहन है छोटी। क्या करने आए हैं? वैसे ही खेलने। मस्ती की आपने यहाँ पे? हाँ। क्या क्या किया? मेरी ग्राउंड पे बैठे और स्लाइड पे बैठे, अभी झूला खाली नहीं हुआ है। समीर कुमार, देखिए वैलेंटाइन डे का महत्व बहुत है, और ये खास करके हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता से आया है, लेकिन इस दिन हम प्रेम का प्रतीक के रूप में मनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि टीनेजर्स इसको सबसे ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन ये डेडिकेटेड टीनेजर्स का डे नहीं है, ये सबके लिए है। बच्चे अपने माँ के प्रति प्रेम जाहिर करते हैं, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति जाहिर करते हैं, और बहुत से लोग अपने गार्जियन को भी आज के डेट में विश करते हैं, लाल गुलाब देते हैं, कुछ लोग गुलाब मिक्स कलर भी यूटिलाइज करते हैं, तो ये एक समझिए कि सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी डे हम कह सकते हैं, इस दिन मिलने जुलने का एक
और माइंड फ्रेश करने का भी डे होता है और दूसरों को सम्मान कर अपना प्रेम जाहिर करने का भी दिन होता है। इस बार किस कलर के गुलाब का ज़्यादा महत्व? देखिए इस बार तो लाल तो हमेशा रहता है वैलेंटाइन डे का मेन कलर, लेकिन लोग थोड़ा सा मिक्स कलर की तरफ भी गए और लॉकडाउन के बाद से समझिए कि एक फेस्टिवल मिला उनको या एक डे मिला जो सेलिब्रेट करके अपने पुराने दर्द को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं देखिए ये व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो संडे होने की वजह से टीनेजर्स घर से नहीं निकले, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुले थे, तो वो फ्रीक्वेंसी जो वॉकिंग्स की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी कम मात्रा में थी।